गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 15, प्रोबेबिलिटी। इन दिस क्लास ऑफ 9 यू हैव स्टडी अबाउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच आर बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। वी डिस्कस एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 1000 टाइम्स इन विच फ्रीक्वेंसीज ऑफ आउटकम वर एज फॉलोज। ओके, हेड इज 455 एंड टेल इज 445। बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट, दिस एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज हेड इज 4 55 upon 1000। ओके, दैट इज द 0.455 एंड दैट गेटिंग इन द टेल इज 0.545। ओके, ऑल्सो सीन द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ओके, सो दिस इज द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, देन वॉट आर द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज एन The experimental or empirical probability of an event is based on what the actually happens, while the theoretical probability of the event attempts and predict what will happen on the basis of certain assumption. As per the number of trials and experiment go on the increasing, we expect the empirical theoretical probability to be nearly the same. Okay, probability आपने देखा है कि हमने last year भी इस chapter को किया था कि प्रोबेबिलिटी में हम फाइंड करते हैं पॉसिबल। ओके, मतलब कि एक्चुअल जो हमारा इवेंट होने वाला है वो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि सपोज टुडे आज रेनी होगी या नहीं होगी। ओके, टुडे रेनी और नॉट, सपोज दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमने किए थे। ओके, इसी पे बेस्ड हम आगे भी इसके क्वेश्चंस करते हैं। मैंने आपको कुछ नोट्स दिए हैं जिसमें आपको सारी डेफिनेशंस दी है, एलिमेंट्री इवेंट, कंपाउंड इवेंट, श्योर इवेंट, ये सब। ये सारी डेफिनेशंस आप लिखिएगा पहले चैप्टर नंबर 15 में, उसके बाद एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट कीजिएगा। क्लियर? जैसे कि हमारी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, दी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, रिटन एज पी ई, इज डिफाइंड एज पी ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ई अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन द एक्सपेरिमेंट। ओके, नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी हमने ये चैप्टर किया था, सेम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए, उनको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट। ई और ई प्लस नॉट का फॉर्मूला हमारा होता है इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। ओके, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन बी हैपन इज 0, सच दैट इवेंट इज कॉल्ड द पॉसिबल इवेंट। अगर कांट हैपन देन इट विल बी 0, अगर नहीं हो रहा है तो हमारा कितना हो जाएगा 0। ओके, देन सच इवेंट इज कॉल्ड द पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सर्टन इज हैपन, सर्टन कंडीशन या श्योर इवेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं 1, सच दैट इज कॉल्ड द श्योर और सर्टन इवेंट। ओके, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, आपको पता है सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा कितना आता है 1। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन एलिमेंट्री ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन टू द 0 एंड लेस देन टू लेस देन इक्वल टू द 1। ओके, इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव लाइकली आउटकम एक्सप्लेन। हमें इसमें बताना है कि कौन सा लाइकली आउटकम है और उसे एक्सप्लेन करना है। ओके, तो फर्स्ट अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, देन कार स्टार्ट डज नॉट स्टार्ट। फिर सेकेंड दिया, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट अ मिस्ड टू शॉट। अ ट्रायल टू मेक एन आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, देन क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बेबी बॉय और गर्ल। ओके, तो ये वाले जो दो हैं ये हमारे लाइकली इवेंट को शो करेंगे और बाकी जो है वो दो अनलाइकली इवेंट को शो करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, अ लाइकली अ ट्रायल इज मेड टू एन आंसर टू ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। ओके, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ओके, पॉसिबिलिटीज आ रही है इसमें हमारी, और ये वाला भी हमारा, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। एक बेबी बॉर्न हुआ है वो कुछ भी हो सकता है, तो गर्ल हो सकता है, बॉय हो सकता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, why tossing a coin considering to be a fair, why is deciding which term should be get ball on beginning of the football game? हमें ठीक है, why is tossing a coin, हमें ये बताना है इसमें फुटबॉल गेम का। तो इसका आंसर हमारा क्या हो सकता है? इसका आंसर हमारा हो सकता है, when we toss a coin the outcome head and tail are quickly likely। ओके, कुछ भी आएगा हम कॉइन को टॉस करेंगे तो, सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टॉस इज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। जो हमारा हम कॉइन को टॉस करेंगे तो वो हमारा अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, मतलब कि हमारा या तो टेल आएगा या क्या जाएगा, हमारा हेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी 2/3 हो सकती है,
परसेंटेज में हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है, बट माइनस में नहीं हो सकती आपकी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, कांट भी बोला इसलिए -1.5। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ पी इज इक्वल टू हमें दिया है 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। हमें क्या बताना है, नॉट ई वाली प्रोबेबिलिटी बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। सो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन भी दिया है कि पी इज इक्वल टू 0.5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। सो वी नो दैट पी इज इक्वल टू का हमें एक फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई, पी ई नॉट। ई बार मीन्स क्या होता है, ई नॉट। ओके, पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई, देन पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है, 0.05। हमने वैल्यू प्लेस कर दी 0.05, देन पी ई नॉट इज इक्वल टू हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 0.95। क्लियर। देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज 0.95। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आप ऐसे ही खुद से सॉल्व कीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। दो स्टूडेंट के सेम बर्थडे के आने की हमें कंडीशन यहाँ पे फाइंड करनी है। क्लियर। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग द बर्थडे, पी ई नॉट कितना दिया है 0.992। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट आर हैविंग द सेम बर्थडे फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा पी इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ई नॉट। क्लियर। हैविंग अ बर्थडे फाइंड करना है ना, ई नॉट हमें दिया है और हैविंग फाइंड करना है। क्लियर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस 0.992, जो हमारा गिवन था उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 0.008। ओके, ये हमने फाइंड कर ली, कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करी, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी फाइंड की। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, अ बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड। ओके, एक बैग कंटेन कर रहा है 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, अ बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड। रेड और नॉट रेड होने की हमें कंडीशन यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इन द बॉल इन द बैग, टोटल बॉल कितनी है हमारी बैग में 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, पहले हमें क्या फाइंड करनी है, फर्स्ट कंडीशन में रेड बॉल होने की कंडीशन फाइंड करनी है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये हमारा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। तो ये हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब कितनी रेड बॉल है आपके पास 3, और टोटल बॉल कितनी है 8, तो ये हो जाएगा हमारा 3/8। ओके, एज इट इज सेकेंड पॉइंट में द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल क्या हो जाएगा, वही सेम फॉर्मूला आपका, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये हो जाएगा हमारा, ये वाला ही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हमारी प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब कि जो हमने फाइंड की थी, किसके लिए निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग रेड बॉल, तो हमने रेड बॉल की निकाल ली, नॉट गेटिंग की निकालनी है मतलब हम क्या कर देंगे इसमें पी ई नॉट वाली कंडीशन लगानी है, मतलब कि पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये आपका क्या हो जाएगा पी ई, ये आपका गिवन है पी पी ई नॉट वाला, अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते तो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल मतलब 1 माइनस 3/8। 3/8 को हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 का हम इधर एलसीएम लेंगे, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, 5/8, तो नॉट रेड बॉल की हो जाएगी 5/8। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका 8 भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल 8 व्हाइट मार्बल 4 ग्रीन मार्बल 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी द रेड व्हाइट और नॉट ग्रीन। ठीक है, एक बैग में हमारे पास कितनी 5 रेड बॉल है, 8 व्हाइट मार्बल से, 5 रेड मार्बल से, ओके 8 हमारी जो है व्हाइट मार्बल से, 4 क्या है ग्रीन मार्बल से, तो हमें प्रोबेबिलिटी किस किस के लिए फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रेड बॉल के लिए, व्हाइट बॉल के लिए और नॉट ग्रीन बॉल के लिए, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर। तो
हमारी टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितनी, पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास है 5, 8 और 4, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल मतलब टोटल करा तो कितना आ गया हमारा 17। फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना है, रेड बॉल के लिए फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स के लिए फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो रेड कितनी है 5, टोटल कितनी है 17, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5/17। ठीक है, एज इट इज सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है, वाइट मार्बल्स के लिए फाइंड करना है। वाइट मार्बल कितनी है हमारी 8, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्बल क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, देन इट विल बी 8/17। क्लियर। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल के लिए हमें क्या फाइंड करना है, ग्रीन मार्बल कितनी हमारी 4। ठीक है, तो ग्रीन के लिए भी हम फाइंड कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन के लिए फाइंड करना है, इसलिए पहले हम क्या करेंगे ग्रीन की फाइंड करेंगे और फिर नॉट वाली फाइंड कर देंगे। क्लियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्बल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, देन इट विल बी 4/17। ओके, नॉट के लिए फाइंड करना है तो फिर से हम पीई नॉट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पीई नॉट इज इक्वल टू 1 - पीई। यहाँ पे पीई कितना है हमारा 4/17, 1 - 4/17, देन इट विल बी 13/17। 17 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 17 - 4 हो जाएगा हमारा 13 और होल अपॉन 17, देन इट विल बी 13/17। क्लियर, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है।